महापर्व छठ की छटा आज चारों तरफ नजर आ रही है। नहाए खाए से शुरू होने वाले इस पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज व्रती महिलाएं डूबते हुए सूरज देवता को अर्घ देंगी और उसके बाद जब कल सुबह सूरज देवता उगेंगे तब उनको अर्घ दिया जाएगा और इस तरह से इस व्रत का समापन होगा। सनातन धर्म में कहा जाता है कि सबसे कठिन व्रत छठ महापर्व का है या यूं कहें कि छठी मैया का ये व्रत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के पानीपत जिले की। पानीपत जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के NFL रजवाहे पर, जहां पर आज खुद इस छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर में आने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां पर घाट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। घाट पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। कुछ बताना चाहेंगे इस छठ पर्व का क्या कुछ महत्व है? छठ पर्व एक महानता का पर्व है, इसमें हम लोग बहुत डर भय से अपना करते हैं। जो जिसकी मन में होता है वो छठ माई पूरा करी है। हमको सब कुछ दी है जैसे संसार में सारे को दो, ऐसे छठ माई का महत्वम है। ये साल भर पर एक बार आता है, अगर मनाया जाए तो साल में तीन बार मनाया जाता है। एक तो चैत मास में मनाया जाता है, एक कार्तिक में मनाया जाता है, एक भादो की महीने में जो कि आप लोग सितंबर कहते हैं उस महीने में मनाए जाते हैं। इस व्रत को बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। महिलाएं गीत गा रही हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है छठ पूजा। हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबके लिए सुखदाई है, कितना भी कष्ट हो कितना भी दुख हो छठ मैया बहुत जल्दी दूर करती हैं। इसलिए हम ये छठ पूजा तीन दिन का रखते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कितने घंटे का ये निर्जला व्रत रखा जाता है? तीन दिन का रखा जाता है। तीन दिन का रखा जाता है निर्जला व्रत। कल सुबह कितने बजे आप अपना व्रत खोलेंगे? सुबह हम लोग व्रत खोलेंगे 8:30 बजे तक 7 बजे तक। हर साल इंतजार रहता है आप लोगों को? छठ इंतजार रहता है छठ पूजा का। किस तरह से आप जो है आज कब उठी, किस तरह से आपने तैयारियां की कि शाम होगा? तो हम लोग दो दिन पहले से ही कर रहे हैं। 4 दिन का जो छठ पर्व होता है तो हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। आज छठ पर्व का या यूं कहें कि छठ के इस महापर्व का तीसरा दिन है और NFL रजवाहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं व्रती महिलाएं घाट के किनारों पर मौजूद हैं और धीरे धीरे अब पानी के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। कमर तक जो है पानी के अंदर रहने के बाद जो है सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। तैयारियां बहुत अच्छी की गई हैं प्रशासन की तरफ से। व्रती महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस छठ महापर्व का? कितना उत्साह? बहुत बहुत अच्छा, बहुत उत्साह, बहुत उत्साह। जैसे यूपी बिहार में नहीं होता, यहाँ हरियाणा में होता जी। मतलब यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगती? बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी जी।
और परिवार में जो महिला सबसे बुजुर्ग होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी व्रत चलता है या कोई भी व्रत नहीं चलती है? पीढ़ी पीढ़ी चलती है। सास रखेगी फिर उसके बाद बहू रखेगी? जी जी, सास रखेगी फिर बहू रखेगी फिर उनकी बहू रखेगी। अच्छा, जी तरह से व्रत चलता है? हाँ हाँ चलते रहता है। कहा जाता है कि इस पर्व के दिन जो कोई भी सच्चे दिल से जो कोई भी मनोकामना मांगे वो पूर्ण होगी। हाँ जी एकदम, माता रानी पूरा करती है, सबको करती है। जी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसके लिए व्रत रखा जाता है? अपना लड़का के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए रखा जाता है। अच्छा ये भी है कि इसमें सिर्फ जितना व्रती महिलाएं होती हैं, जितना वो व्रत रखती हैं उसमें पूरा परिवार सहयोग देता है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान? बहुत बहुत, सफाई से लेके आपको हर एक चीज उसको जुटाने में सारे परिवार के समक्ष रहता है, सारे परिवार को साथ में होता है। कल जब सुबह इस व्रत का समापन होगा फिर अगले साल फिर इंतजार? हाँ जी हाँ जी, बहुत हम बहुत उत्साह रहता है ना, हम लोग छठ व्रत के बहुत उत्साह रहता है। देखिए सारे लोग बाहर से भाग के जाते हैं बिहार यूपी, हम लोग छठ व्रत है, छठ व्रत है जी, तो उत्साह तो बहुत है। चलिए और भी इनका पूरा परिवार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे छठ के इस महापर्व पर, कैसी लगी आपको तैयारी और कैसा व्रत? देखिए छठ तो हमें यार 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा छठ का ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं खुद आप लोगों का हिस्सा बनने के लिए? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे लिए बहुत आभार की बात है, जो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे त्यौहार में मतलब कि हमारे साथ हो रहे हैं आज। आपसे जानना चाहेंगे, आप नई जनरेशन है ठीक है, आपको कैसा लगता है छठ का ये महापर्व, क्योंकि सबसे बड़ा कठिन व्रत माना जाता है? देखिए एक्चुअली हमारे जैसे जनरेशन जैसे आगे बढ़ता है और सबसे खुशी मिलती है कि हम अपने बढ़ते जनरेशन में अपना ट्रेडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें बहुत होता है एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है कि चलो हमारे मतलब छठ होता है, मम्मी लोग करती हैं, उसे पार्टिसिपेट करना, हर एक चीज़ पर ध्यान देना, उनका हाथ बटाना, बहुत अच्छा फील होता है कि लगता है कि नहीं चलो हम अपने कल्चर से आज भी जुड़े हुए, इतना ज़्यादा एडवांस कल्चर हो चुका है लेकिन फिर भी आज अपने कल्चर से जुड़े हुए हम लोग, हेल्प करते हैं उनका, एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है इस चीज़ के लिए। तो अगले साल फिर इंतजार रहेगा? अगले साल तो बिल्कुल बिल्कुल, हर साल इंतजार रहता है कि डेट कब पता बीत जाता है, एक साल पता ही नहीं चलता है। चार दिन पूरी तैयारियों में जुटे रहते हैं, दिवाली के पहले से लेके कल तक, कल के परना के बाद भी जो खाना पीना होता है, फिर दिवाली से एक दिन पहले से लेके बहुत अच्छे से होता है, एकदम ट्रेडिशनल की बात हो रही है, अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी जी बिल्कुल बिल्कुल आती है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आवेला, हमारा बहुत भोजपुरी बहुत अच्छे से बोले आवेला। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो हमारा कल्चर कहीं नहीं गया है, हम लोग इतने एडवांस हो जाए कहीं भी चले, अमेरिका यूएस कहीं भी चले जाए, बट हमारा कल्चर हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। इस चीज़ की बहुत प्राउड फील होती है कि चलो आज भी हम लोग कहीं बिना अपना कल्चर, अपना बेसिक के टिकट हम नहीं भूलते हैं। तो छठी मैया की जय। चलिए छठी मैया की जय। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के एनएफएल चौराहे की, जहां पर छठ पर्व की बहुत ज़्यादा धूम है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, नमस्कार।